गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके जो कि बेस्ड है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे। और आज के इस लेक्चर के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप वीपीसी के एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको एक एक बुनियादी बात जो सीएसए एसोसिएट में आती है एग्जाम में और जो कंपनी में भी इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेक्चर को अगर आप कहीं रियल टाइम एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं AWS के प्रोजेक्ट्स पे तो वहां पे आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज उनको मिलेगी इस लेक्चर की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बड़ा ही बुनियादी लेक्चर जो कि है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड पे। तो यार वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एक्चुअल में है क्या? तो यार देखिए, जैसे कि यहां पे नाम से क्लियर है कि ये एक प्राइवेट क्लाउड है, बट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक सारे प्राइवेट क्लाउड जैसे हैं, बट एक्चुअल में ये प्राइवेट क्लाउड नहीं है बल्कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, यानी कुछ कुछ वैसा है, राइट? वैसा ना होकर भी वैसा होना, दैट इज अ वर्चुअल, राइट? जैसे कि स्टोरेज है, आप काइंड ऑफ आप ये कहिए कि आपके मोबाइल में जो इंटरनल स्टोरेज होती है 16 GB की, वो उसकी एक फिजिकल स्टोरेज होती है। इंटरनल स्टोरेज जो आपके मोबाइल में आती है 16 GB होती है, 64 GB हो सकती है, 128 हो सकती है, बट वही चीज आपको मोबाइल में क्लाउड से भी मिलती है। आपने गूगल अकाउंट बना रखा है, गूगल क्लाउड पे आपने डेटा डाला है, गूगल ड्राइव में आपने डेटा डाला हुआ है या और किसी वन ड्राइव में आपने माइक्रोसॉफ्ट की डाला हुआ है, तो वहां पर भी आपको 16 GB या 128 GB का स्पेस आपको मिल जाएगा और वहां भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड दैट स्टोरेज इज अ वर्चुअल स्टोरेज, बट वहां पे काम क्या हो रहा है? बिल्कुल मेमोरी कार्ड जैसा काम हो रहा है या इंटरनल मेमोरी जैसा काम हो रहा है कि आप अपना डेटा डाल भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, राइट? तो बट वो वर्चुअल है, यानी वो आपके मोबाइल में नहीं है, वो आपके मोबाइल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टिल वो सारे काम, वो सारे फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बिल्कुल मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज जैसे हैं। कुछ ऐसा ही होता है मेरा वीपीसी का कॉन्सेप्ट, ये प्राइवेट क्लाउड जैसा है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड एक कंपनी का क्लाउड होता है जहां पे कंपनी ये कहती है कि यार मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कि मैं अपना डेटा उसके डेटा सेंटर में रखूं, तो क्या करता हूं मैं अपना एक डेटा सेंटर बना लेता हूं जहां पे मेरा खुद का सर्वर होता है, मेरी खुद की स्टोरेज होती है, खुद के नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं और वहां पे मैं अपना डेटा स्टोर करता हूं, राइट? और उसको फिर मैं क्लाउड पे डाल के मैं उसका एक प्राइवेट क्लाउड बनाता हूं अपना, जो मेरे जितने भी प्रीमिसेस, जितने भी मेरे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक्सेस कर सकते हैं मेरे उस क्लाउड को, एंड दैट इज नोन एज प्राइवेट क्लाउड। अब यही फीचर अगर अमेज़न आपको दे दे, राइट, और कम पैसों पे दे दे, क्योंकि अगर आप अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सर्वर भी चाहिए होगा, आपको बहुत सारे राउटर चाहिए होंगे, गेटवे चाहिए होंगे, आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे चाहिए होगा, आपको स्टोरेज चाहिए होगी, बहुत सारी चीजें, कई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, बट यही चीज अमेजन आपको बेहद कम कीमत पे देता है। और वो कहता है कि सब कुछ सिक्योरिटी से लेके डिवाइसेस और स्टोरेज तक सब कुछ मैं आपको बिल्कुल वैसा ही दूंगा जैसा प्राइवेट क्लाउड में आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इसका नाम उसने रखा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, यानी फीचर सारे प्राइवेट क्लाउड जैसे होंगे, बट दिस इज एक्चुअल वर्चुअल। वर्चुअल मींस कि आप इसे अमेज़न से ले रहे हैं, राइट? बट सिक्योरिटी उसी लेवल की है जैसे एक प्राइवेट लेवल क्लाउड की सिक्योरिटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड इज मोर सिक्योर बिकॉज वहां पे सिर्फ जो कंट्रोल होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, वहां पे थर्ड पार्टी बंदा नहीं आ सकता आपकी कंपनी के अंदर। सिमिलरली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज योर ओन क्लाउड, राइट? So, actual में ये क्या है? A virtual private cloud is a virtual network that closely resembles a traditional networking that you operate in your own data center with the benefits of using the scalable infrastructure of AWS. यानी virtual private cloud आपका खुद का एक network है, खुद का एक virtual network है जिसमें बिल्कुल traditional networking की तरह आपके पास router भी होगा, switches भी होंगे, gateway भी होंगे और वो सारे काम आप कर रहे होंगे जो आप वहां पे करते हैं। वहां पे आप firewall लगाते हैं, वहां पे आप restrictions लगाते हैं, वहां पे आप आईपी इनेबल करते हैं, यहां पर वो सारे काम आप करेंगे। अगर इसको और छोटी सी डेफिनेशन में आप समझना चाहते हैं तो वीपीसी इज अ वर्चुअल नेटवर्क और डेटा सेंटर इनसाइड AWS फॉर वन क्लाइंट, राइट? तो वीपीसी इज नथिंग बट अ वर्चुअल नेटवर्क और अ काइंड ऑफ डेटा सेंटर फॉर माय क्लाइंट, राइट? तो हर बंदे का अपना वीपीसी होगा। अगर एक बंदे ने एक वीपीसी बना रखा है तो क्या कोई दूसरा बंदा उसके वीपीसी में चेक कर सकता है कि क्या पड़ा हुआ है? कभी नहीं कर सकता, नेवर। अगर आपका वीपीसी है तो आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो, आपके अलावा कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही बड़ा हैकर आ जाए, दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल बट बहुत मुश्किल काम है, राइट? एंड
इट इज लॉजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वर्चुअल नेटवर्क इन द AWS क्लाउड। अगर आपने एक वीपीसी बनाया हुआ है, दूसरे वीपीसी बनाए हुए हैं और भी बंदों के, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि AWS के ऊपर सिर्फ आपका अकाउंट है, आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, हजारों लाखों क्लाइंट AWS के हैं जिन्होंने अपने अपने वीपीसी बनाए हैं, बट वो सारे वीपीसी एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं और उन्हें हमेशा ऐसा फील होता है कि यार ये जो क्लाउड है ना ये सिर्फ मेरे ही लिए है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये, यार देखिए ये कुछ ऐसा है जैसे आप समझिए कि एक 10 मंजिला इमारत है और बिल्डर ने वहां पे फ्लैट बेचे हैं। आप अपने फ्लैट के अंदर क्या कर रहे हो इससे बाहर वाले को, दूसरे फ्लैट वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने फ्लैट में पार्टियां करो, आप अपने फ्लैट में दिन भर शोर मचाओ, तेज आवाज में गाने चलाओ, बाहर किसी को आवाज तक नहीं जाएगी, बिकॉज दैट इज योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, दैट इज योर प्राइवेट एरिया, राइट। उससे बाहर दूसरे के घर में क्या हो रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि आप अपनी एक बाउंड्री है और आपकी बाउंड्री के अंदर कोई आपकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता, राइट। ऐसे AWS ने हजारों लोगों को ये बांटे हुए हैं, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर फ्लैट अलग अलग लोगों के पास होते हैं, तो ऐसे ही AWS के भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, बट हर कोई एक दूसरे से आइसोलेटेड है। आप दूसरे के फ्लैट में उसकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते, राइट, बट हाँ चोर जा सकता है। तो ऐसे यहां पर हैकर को एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है कि वो अगर कुछ गड़बड़ करके पहुंच जाए, अदरवाइज नॉर्मल पर्सन दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो वीपीसी इज वॉट, वीपीसी इज अ वर्चुअल नेटवर्क, राइट। इट इज लॉजिकली आइसोलेटेड, मैंने आपको बता दिया। लॉजिकली आइसोलेटेड का मतलब है क्योंकि देखिए फिजिकल एनवायरनमेंट है ही नहीं, सब कुछ वर्चुअल है, इसीलिए हम इसे फिजिकली आइसोलेटेड नहीं कहेंगे, लॉजिकली आइसोलेटेड कहेंगे, बिकॉज यहाँ सब कुछ लॉजिकल होता है, फिजिकल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लाउड के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। किसी चीज को आप टच नहीं कर सकते, आप ऐसे टच नहीं कर सकते कि ये मेरा सर्वर पड़ा है या ये मेरा नेटवर्क पड़ा है। वो फील होगा आपको, वो बिल्कुल बिहेव वैसे ही करेगा, वो बिल्कुल सर्वर की तरह काम करेगा, आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरह काम करेगा, राउटर की तरह काम करेगा, बट आपको नजर नहीं आएगा। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल, राइट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा, कि एक रीजन के अंदर हम कितने वीपीसी बना सकते हैं। मैं भी आपको वीपीसी का पूरा सिनेरियो भी बताऊंगा, डोंट वरी, राइट। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, बट थोड़ा सा इसकी बुनियादी बातें एक माइंड सेटअप कर लें कि क्या क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक रीजन के अंदर आप 5 वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक अकाउंट में 5 वीपीसी नहीं, एक रीजन के अंदर आप 5 वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा 200 सबनेट आप क्रिएट कर सकते हैं एक वीपीसी के अंदर, यानी एक वीपीसी में 200 कर सकते हैं, तो 5 वीपीसी में आप 1000 कर सकते हैं, तो टोटल 1000 सबनेट आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक वीपीसी में 200 सबनेट आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। और अगर 200 सबनेट है तो 200 ही राउटिंग टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वी कैन एलोकेट मैक्सिमम 5 इलास्टिक आईपी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिक आईपी अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट में 5 इलास्टिक आईपी आप ले सकते हैं। इस हालांकि इस लिमिट को एक्सटेंड किया जा सकता है, आप अमेजन को रिक्वेस्ट करके इस लिमिट को एक्सटेंड करके 5 से ज़्यादा इलास्टिक आईपी भी ले सकते हो। सिमिलरली 5 वीपीसी से ज़्यादा वीपीसी बनाए जा सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल अगर आप अमेजन को रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। वंस वी क्रिएटेड वीपीसी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर एक बार हम वीपीसी बनाते हैं तो 3 चीजें बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं। एक तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, दूसरा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये और तीसरा सिक्योरिटी ग्रुप, ये तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट बन जाएंगी। आप लैब में देखना, जैसे ही आप वीपीसी क्रिएट करोगे इन तीनों में जाना, आप देखना उसी के नाम से ये तीनों चीजें क्रिएट हो गई होंगी। सपोज आपने वीपीसी 1 बनाया तो वीपीसी 1 के नाम से डीएससीपी में भी एक आइकन आ गया होगा, एनएससीएल एक बन गया होगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप बन गया होगा, राइट। तो ये तीनों बाय डिफॉल्ट बन जाती हैं वीपीसी को क्रिएट करते ही, राइट। ए वीपीसी इज कन्फाइंड टू एन AWS रीजन एंड डज नॉट एक्सटेंड बिटवीन रीजन्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम यहां समझते हैं, इस वाले पॉइंट को और इससे आगे के पॉइंट्स को। तो ये मैंने कुछ सिनेरियो बनाया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तो आपने थ्योरी समझी है, बट आपको सिनेरियो समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वीपीसी कैसा दिखेगा या कहां एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई AWS क्लाउड, ये जो मेरा आपको दिख रहा है ये मेरा एक AWS क्लाउड है या मेरा अकाउंट है। उस अकाउंट के अंदर दिस इज माई 1 रीजन, ये रीजन मेरा मुंबई है, मैंने मुंबई रीजन का ये मैंने बनाया। अगर यहां वीपीसी लिखा है तो अभी आपने वीपीसी पे नहीं जाना, ऑलवेज रिमेंबर वीपीसी रीजन में क्रिएट होता है, अवेलेबिलिटी जोन पे क्रिएट नहीं होता। इसीलिए यहां पे जो अवेलेबिलिटी जोन है आपको दिख रहे हैं, AZB है और एक अवेलेबिलिटी जोन ये है। तो सपोज मैंने 2 अवेलेबिलिटी जोन बनाए हैं, मुंबई में शायद 3 है बट मैंने 2 बना दिए, नो इशू। तो ये 2 अवेलेबिलिटी जोन मैंने बनाए हैं,
तो वीपीसी जो बनेगा वो इन दोनों के ऊपर बनेगा. ऑलवेज रिमेंबर अवेलेबिलिटी जोन ये है मेरा, दिस इज माय एजेड वन एंड एजेड बी इज दिस वन, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, बट इन दोनों के ऊपर वीपीसी क्रिएट होता है. यानी वीपीसी एग्जिस्ट ऑन रीजन नॉट ऑन अवेलेबिलिटी जोन, राइट. तो वीपीसी हमेशा रीजन पे क्रिएट होता है और वो उसके अंदर सारे अवेलेबिलिटी जोन आ जाते हैं. वीपीसी कभी आप स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में नहीं बनाते, आप रीजन में बनाते हो. उसकी सारी प्रॉपर्टीज रीजनल होती हैं, वो रीजन पे एग्जिस्ट करती हैं, राइट. तो ये एक बात समझ आ गई आपको. तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है रीजन, इस रीजन के अंदर मैंने ये जो रीजन है यहाँ मैंने एक वीपीसी बनाया है और उस वीपीसी का जो मैंने सीआईडीआर लिया है वो लिया है मैंने 10.0.0.0/16. यानी ये जो इसका सबनेट है इस वीपीसी का वो ये है. अब मैं इस रीजन के अंदर मैं अगर एक और वीपीसी बनाता हूं तो मैं सेम सबनेट नहीं ले सकता. ऑलवेज रिमेंबर सेम सबनेट मैं उस वीपीसी में नहीं ले सकता. क्या कोई दूसरा बंदा इस सबनेट को ले सकता है, यानी 10.0.0.0/16 दूसरे वीपीसी जो किसी दूसरे अकाउंट से बना हुआ है क्या वो ले सकता है मुंबई रीजन के अंदर ही? क्योंकि मुंबई रीजन में सिर्फ मेरा अकाउंट तो नहीं होगा, हजारों लाखों लोगों का होगा. ऑफकोर्स हर बंदा ये सबनेट ले सकता है अपने वीपीसी में. क्यों? बिकॉज ऑल द वीपीसी आर आइसोलेटेड टू ईच अदर. तो जब वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकते तो फिर वो अपने रीजन में सेम CIDR ले सकते हैं. बट आप अपने अकाउंट के अंदर अपने रीजन में दो डिफरेंट वीपीसी अगर आप बनाते हो तो दोनों में सेम CIDR का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते. क्या दूसरा बंदा कर सकता है? बेशक वो कर सकता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो ये आपको समझ आना चाहिए. हाँ, एक चीज और, लेकिन अगर आप वीपीसी पियरिंग करते हैं, राइट, अब आप उस बंदे के साथ पियरिंग करना चाहते हैं, एट दैट टाइम इट इज रिक्वायर्ड कि आपका और उसका सीआईडीआर अलग हो, राइट. तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि एक वीपीसी आपका है और एक दूसरे बंदे का है, आपने कम्युनिकेट करना है और बाई चांस से वो सेम सीआईडीआर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको फिर एक और सेकेंडरी सीआईडीआर बनाना पड़ेगा जिसको आप पियर कराएंगे, राइट. आप सेम सीआईडीआर फिर पियर नहीं करा सकते, कम्युनिकेट नहीं करा सकते, वो हम लैब में देखेंगे, राइट. जब आप एक वीपीसी बनाते हैं, मैंने यहां पे देखिए, जब हमने एक वीपीसी बनाया, ये मेरा वीपीसी रीजन पे मैंने बनाया, उस वीपीसी में दो अवेलेबिलिटी जोन है, मैंने दोनों के अंदर एक एक सबनेट क्रिएट किया, राइट. मैं अभी आपको सिनेरियो दिखा रहा हूं, जस्ट आप चीजों को समझ लें, फिर अभी हम आगे आगे और सारी चीजें समझेंगे कि वीपीसी जो है वो रीजन पे बनता है, अवेलेबिलिटी जोन पे नहीं बनता है. क्या जो मेरा वीपीसी है वो इन दोनों अवेलेबिलिटी जोन में चीजें क्रिएट हो सकती हैं? मेरे एक वीपीसी के अंदर मैंने एक सबनेट बनाया, इसमें एक बनाया, इसमें ऑफ कोर्स मैं बना सकता हूं और मैंने यहां बनाए भी हुए हैं. मैंने इस अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट बना दिया, इस अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट बना दिया, इसको नाम दिया है प्राइवेट सबनेट, इसको दिया है पब्लिक सबनेट. ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पब्लिक सबनेट का मतलब है ये इंटरनेट पे जा सकता है और प्राइवेट सबनेट का मतलब है ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता. इसीलिए अगर आप देखें तो ये जो मेरा पब्लिक सबनेट है ये इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है, बट ये वाला जो मेरा सबनेट है प्राइवेट सबनेट ये इंटरनेट गेटवे पे कनेक्टेड नहीं है. अब आप कहेंगे यार यहां तो ये लाइन जा रही है, इसका मतलब ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है. नहीं, आपको ऐसे देखने से कनेक्टेड नहीं देखना है, राइट. आपको यहां उसकी राउटिंग टेबल देखनी है, राइट. क्या राउटिंग टेबल में इंटरनेट पे जाने का रास्ता मैंने इसको दिया हुआ है? अगर आप यहां पे देखें तो डेस्टिनेशन 10.0.0.0/16 ये क्या लिखा है? लोकल. इसका क्या मतलब है? जैसे ही आप वीपीसी क्रिएट करेंगे आपको एक सीआईडीआर वहां पे देना पड़ेगा, तो आपने मैंने दिया है इस केस में 10.0.0.0/16. ये लोकल हो जाएगा. लोकल का मतलब है इस CIDR के अंदर जितने भी सबनेट बनेंगे वो आपस में बात कर सकते हैं. इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट वीपीसी बनाते ही जैसे ही मैं प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट बनाऊंगा दोनों में ये वाला अपने आप आ जाएगा. ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा और आप इसे डिलीट भी नहीं कर सकते. ऑलवेज रिमेंबर जैसे ही आप सबनेट क्रिएट करेंगे ये अपने आप बन जाएगा और इसके आगे लिखा होगा लोकल, यानी इसमें कम्युनिकेट करने के लिए आपको किसी राउटिंग की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मली प्राइवेट आईपी से आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि ये लोकल है आपका, राइट. एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा. अब यहां पे मैंने अभी खैर नेटिंग की हुई है, बट अगर ये प्राइवेट सबनेट है तो यहां पर कुछ नहीं होगा. इसका मतलब इसे इंटरनेट पे जाने का रास्ता मैंने नहीं दिया. जबकि अगर इस केस में देखें मैंने इसको पब्लिक सबनेट लिखा है तो यहां पे इंटरनेट पे जाने का इंटरनेट गेटवे, IGW का मतलब होता है इंटरनेट गेटवे, इस तक जाने का रास्ता मैंने इसको बताया हुआ है कि 0.0.0.0/0. इसका मतलब होता है जब आप कोई रास्ता ना मिले तो आप इस रास्ते से जाएं डिफॉल्ट रूट से. तो ये 0.0.0 जो है यहां का रास्ता है, यहां का आईपी है, तो ये जो इसका रूट है राउटर इसको इस तरफ रूट कर देगा और ये इंटरनेट पे चला जाएगा. फाइनली यहां पे मेरा इंटरनेट पड़ा हुआ होगा,
राइट right? तो इस तरीके का है, बट इसके पास राउटिंग टेबल में कुछ नहीं होगा, राइट right? तो मैंने नेट लगाया था, नेट का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वो क्या होता है कैसे होता है, अभी हम वहाँ नहीं जा रहे। तो आपको ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए कि वीपीसी जो है वो रीजन के ऊपर बनता है, अवेलेबिलिटी जोन पे नहीं बनता, राइट right? और जो सबनेट होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो सबनेट होते हैं वो अवेलेबिलिटी जोन में बनते हैं, वो रीजन में नहीं बनते। यानी एक सबनेट दो अवेलेबिलिटी जोन में नहीं हो सकता, you cannot use, यानी मैंने अगर ये 10.0.1.0 यहां पे ले लिया /24 तो मैं उसे अब इसमें नहीं ले सकता, दूसरे availability zone में नहीं ले सकता, right? तो subnet is availability zone specific and VPC is region specific, right? तो आपने याद रखना है। तो क्या एक VPC दो different region तक extend हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका जवाब ना है। क्या एक subnet दो availability zone में हो सकता है? नहीं हो सकता, right? तो ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो exam में, interview में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि VPC के जो components हैं वो कौन से हैं, और फिर one by one हम उन components को discuss करेंगे, right? तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं, once the VPC is created, you cannot change its CIDR block range। यानी एक बार आपने VPC बना दिया और बनाते time आपने 10.0.0.0/16 दे दिया, अब आप इसे change नहीं कर सकते। Always remember, VPC बनाते time जो CIDR, primary CIDR, this is your primary CIDR, जो आपने दे दिया, you cannot change it। अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है? पहले एक और CIDR बनाएं आप, उसको प्राइमरी करें, और फिर जैसे ही आप उसे प्राइमरी करेंगे सेकेंडरी बन जाएगा, फिर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको एक चीज फिर भी याद रखनी है, ये चीज अब ऐड हो गई है, बट वैसे अगर आप देखें तो एक बार CIDR ब्लॉक बनने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। इफ यू नीड अ डिफरेंट CIDR साइज, क्रिएट अ न्यू VPC। आपने उसका जो साइज दे दिया, सपोज मैं यहां पे 16 की जगह 24 करके बना दूं, तो फिर मैं उसे अब बड़ा नहीं कर सकता, मैं उसे फिर 20 नहीं कर सकता, राइट। और अगर कल को फ्यूचर में मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और VPC बनाना पड़ेगा। बट 2017 में AWS ने एक आपको नया फीचर दिया है जिसमें आप उसके साथ साथ प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी CIDR रेंजेस क्रिएट कर सकते हो। तो फ्यूचर में अगर आपको कोई एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है तो आप सेकेंडरी CIDR रेंजेस बना सकते हो, राइट। बट प्राइमरी को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट। द डिफरेंट सबनेट विद इन अ VPC कैन नॉट ओवरलैप, राइट। तो अगर आपने डिफरेंट सबनेट बनाए हैं तो ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए, यानी यहाँ पे 10.0.1.0 है और यहाँ पे 10.0.0.0 है, तो यहाँ पे आप 10.0.0.0 नहीं कर सकते, या यहाँ पर 1.0 नहीं कर सकते, 10.0.1.0 ओवरलैप नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होने चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो भैया मेरे पहले CCNA की वीडियोज में, प्ले लिस्ट में जाके सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें, बिकॉज यहाँ सबनेटिंग हो रखी है, और 10.0.1.0 एंड 10.0.0.0 /24 यहां लिखा है, /24 यहां लिखा है, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क हैं। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आपको पहले मेरी हिदायत है कि VPC पढ़ने से पहले सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अदरवाइज वेस्ट है इस लेक्चर को पढ़ना, बिकॉज VPC बिना सबनेटिंग के हो ही नहीं सकता, राइट। तो पहले मेरे CCNA के वीडियोस जो मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हैं वहां आप जाएं और पहले IP एड्रेस से स्टार्ट करें, उसके बाद आप सबनेटिंग पढ़ें, तो होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि यहां पे 3 ऑक्टेट, यानी कि 24 लिखा है तो हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, तो ये 3 ऑक्टेट आपको चेक करने हैं। तो 3 ऑक्टेट यहां पे 10.0.1 है, यहां पे 0.0 है, इसका मतलब 3 ऑक्टेट अलग-अलग हैं। अगर यहां पर 0 होता, यहां पर भी 0, तो तीनों वैल्यू सेम हो जाती, क्योंकि हमें 24 वैल्यू देखनी है, राइट। उस केस में ये सेम नेटवर्क हो जाता, बट यहां पे ये .1 है और ये .0 है, इसका मतलब ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, राइट। तो यहां पे कोई मसला नहीं है, राइट। तो ये चीजें आपको तब समझ आएंगे जब आप सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मेरी आपको हिदायत है भैया कि चलता फिरता काम ना करें, मेरी वीडियोस अवेलेबल है, बहुत इजी वे में मैंने सबनेटिंग सॉल्व करके दिखाई है, आप उसको देखें, तब आपको समझ आएगा कि 10.0.0.0 और 10.0.1.0 दोनों अलग नेटवर्क हैं, क्योंकि /24 इज इंपॉर्टेंट, आगे क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहां पे लिख देता 16, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता 16/16 और यहां पर भी मैं लिख देता /16 और मैंने आगे ये सेम IP लिखा है, तो क्या अब ये सेम नेटवर्क है या अलग नेटवर्क है, आप ही बताइए। जो लोग कहते हैं अलग है वो बिल्कुल
गलत है क्योंकि ये सेम नेटवर्क है, क्योंकि अब 16 है तो आपने 16 बिट यानी कि दो ऑक्टेट चेक करने हैं, और इन दो ऑक्टेट को अगर आप चेक करें तो दोनों सेम है, इसका मतलब सेम नेटवर्क है दोनों, राइट। तो आप यहाँ पे अगर ये 16 होता तो आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट। ये सारी चीजें आपको तब समझ आएंगी जब आप सब नेटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो भैया मेक श्योर कि आप वो क्लियर कर लें। यू कैन हाउएवर एक्सपेंड योर वीपीसी सीआईडीआर बाय एडिंग न्यू एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस रेंजेस, राइट। तो आप अपने फ्यूचर में अगर आपको जरूरत लगती है, ज्यादा आईपी चाहिए, ज्यादा आपको बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो आप बाद में सेकेंडरी सीआईडीआर ऐड कर सकते हो। 2017 में AWS ने इसको लॉन्च कर दिया है, बट दो रीजन में ये नहीं हो सकता, एक अमेरिका के गवर्नमेंट क्लाउड में और एक चाइना के बीजिंग रीजन में ये काम नहीं हो सकता, राइट। इसके अलावा सभी क्लाउड में ये फैसिलिटी अमेज़न ने प्रोवाइड करा दी है। अब आते हैं कि अमेज़न के कंपोनेंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा वो क्या क्या होंगे, सीआईडीआर एंड आईपी एड्रेस सबनेट्स, राइट, इम्प्लाइड राउटर एंड राउटिंग टेबल, इंटरनेट गेटवे, सिक्योरिटी ग्रुप्स, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, पीयरिंग कनेक्शंस एंड इलास्टिक आईपी। ये सारे कंपोनेंट्स हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के जो कहीं ना कहीं वीपीसी बनाते समय हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद वीपीसी में कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो एग्जाम में अनकवर्ड रह जाए, हमने ना किया हो। इवन रियल टाइम में भी अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, अगर आपके जूनियर्स हैं तो उन्हें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, उन्हें लिंक जरूर बताएं, वीडियो के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि भैया अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फिर वीपीसी पे क्या कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है, राइट। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, एक चीज मैं यही बताता चलूं आपको इस फिगर में कि जो नेट मैंने बनाया, नेट गेटवे, ऑलवेज रिमेंबर ये पब्लिक सबनेट में बनाया जाता है बट इस्तेमाल प्राइवेट के लिए किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, नेट गेटवे पब्लिक सबनेट में लगाया जाता है, कभी भी ये प्राइवेट गेटवे में, प्राइवेट सबनेट में नहीं लगाया जाता। जो राउटर होता है वो रीजन के अंदर होता है, ऑलवेज रिमेंबर, जो मेरा रीजन है, जो मेरा वीपीसी है, उस वीपीसी के अंदर ये राउटर होता है, बट ये कोई फिजिकल राउटर नहीं है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करनी होती है, कोई इसमें आपने राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लगाना होता है, ये एक वर्चुअल राउटर है जिसे हम इम्प्लाइड राउटर कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपको सिर्फ इसकी राउटिंग टेबल में रूट बताना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता, राइट। तो ये राउटर एक वर्चुअल राउटर है, एंड वीपीसी इटसेल्फ वर्किंग एज अ राउटर, एक वर्चुअल राउटर ही है। वीपीसी की अगर आप बात करें तो एक वर्चुअल राउटर ही है, क्योंकि इस सबनेट को इस सबनेट से बात करने के लिए किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, जबकि ये एक अलग सबनेट है, ये एक अलग नेटवर्क है। दो अलग नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए नॉर्मल नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो वी नीड अ राउटर, बिकॉज राउटर इज अ इंटर नेटवर्किंग डिवाइस जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। यहाँ पे ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिना किसी राउटर कॉन्फ़िगरेशन के हो जाएगा। Why? Because VPC itself behave as a router and this router represent that thing. तो ये router उसी चीज़ को represent कर रहा है। Otherwise ये router आपको network में कहीं दिखेगा नहीं, ये होता नहीं है, ये हम सिर्फ एक representation करते हैं कि यहाँ पे एक router की तरह कोई चीज़ काम कर रही है, but real time में ऐसा नहीं होता है, right? आपको सिर्फ routing table में root add कर रहे हैं, उसको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे local लिखा है, यहाँ पर भी local लिखा है, इसका मतलब इन दोनों subnet को आपस में बात करने के लिए किसी router या routing protocol की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लोकल का पार्ट है, इस सबनेट का, इस सीआईडीआर का पार्ट है, इसका हिस्सा है ये दोनों, क्योंकि ये स्लैश 16 है, एक बड़ा नेटवर्क है, और स्लैश 24 छोटे-छोटे दो नेटवर्क हैं जो उस बड़े नेटवर्क का पार्ट हैं, राइट। इसीलिए इन्हें आपस में बात करने के लिए, इन दोनों को आपस में बात करने के लिए किसी भी तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट गेटवे हमेशा रीजन की बाउंड्री पे लगा हुआ होता है और वहां से आपके नेटवर्क को इंटरनेट तक भेजता है, राइट। तो ये चीजें अब हम करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी आपको। आई होप इस वीपीसी के पहले लेक्चर से आपको आप बुनियादी बातें समझने में मदद मिली होगी। आगे के अगले दो तीन लेक्चर्स के अंदर मैं ये सारे कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करूंगा, वन बाई वन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और फिर लैब करेंगे वीपीसी की सारी डिटेल में लैब करेंगे। मतलब इससे ज़्यादा लैब ना आपको यूडेमी पे मिलेंगी, ना कोर्सेरा पे मिलेंगी, ना और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, राइट। इवन किसी भी हिंदुस्तान के ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं कराई जाती, राइट। तो मेरी आपको सिर्फ यही हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें लेक्चर्स पे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी मसला है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए जाते हुए आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, सो दैट मुझे मालूम चले कि आपने वीडियो पूरा देखा है और सिंसियरिटी के साथ देखा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि हम एक अकाउंट के अंदर कितने VPC क्रिएट कर सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है कि
एक वीपीसी में कितने सबनेट हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका जवाब आप मुझे जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।